आज मैं आपको वर्णन थ्योरी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और आज आपको किस तरीके से पढ़ना है इसको ये बताया जाएगा, और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको आप आज पढ़ने के बाद कोई और वीडियो पढ़ने की और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखिए, वर्णन थ्योरी क्या है। वर्नर थ्योरी एक वर्णक जो थे, एक स्विस वैज्ञानिक थे, और इन्होंने 1898 अपनी थ्योरी दिया था। अलग अलग किताबों में अलग अलग डेट दिया रहता है, लेकिन एनसीईआरटी का डेटा है कि एक जो थ्योरी दी गई थी 1898 में दी गई थी। और वर्नर पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताया और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाया, इसलिए इनको हम फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी बोलते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या केमिस्ट्री कह सकते हैं, केमिस्ट्री। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे वर्क करने के लिए इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? इनको नोबेल पुरस्कार मिला है, नोबेल प्राइज मिला है इनको 1913 में। ये कुछ फैक्ट हैं जो कि जानना आपके लिए जरूरी है। ये ऐसा नहीं कि मैं कोई बाहर से बता रहा हूँ, इंटरमीडिएट की एनसीईआरटी उसमें भी दिया रहता है। तो आप कंप्लीट बात हमारे सीबीएसई सेकेंडरी पर आपको जब भी पढ़ेंगे तो कंप्लीट बात आपको मिलेगी। इस वीडियो में क्या बताया गया था, इन्होंने सर्वप्रथम इस थ्योरी के माध्यम से बताया कि जो भी ट्रांजिशन मेटल होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, तो उसमें दो प्रकार के वैलेंसी शो करते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें ये लिखा जाएगा, आपका पहला पॉइंट होगा कि इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ट्रांजिशन मेटल शो टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी। इन्होंने बताया कि जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, आपको बताएं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल जो होता है ट्रांजिशन मेटल होता है, और ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं दो प्रकार के किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वैलेंसी शो करेंगे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है टू टाइप्स। पहला क्या होता है, पहला होता है प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी। और जो प्राइमरी वैलेंसी होती है एक ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होती है। तो आप यहीं डायरेक्ट लिख लीजिए कि ए बराबर किसकी होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लीजिए, चाहे ऑक्सीडेशन नंबर लिख लीजिए। दूसरा होता है सेकेंडरी वैलेंसी, जो कि बोर्ड परीक्षा में चाहे आपके जेई हो मेन हो सब में पूछा जाता है क्वेश्चन कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी का कॉन्सेप्ट किसने सर्वप्रथम दिया। तो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी कॉन्सेप्ट वर्नर नामक वैज्ञानिक ने दिया था, या वर्नर पासुलेट भी कहा जाता है। 1898 थ्योरी दी गई और 1913 में इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी कैसे निकालेंगे, आपको एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे देगा, कहेगा बताइए इसमें प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। तो प्राइमरी वैलेंसी आपको पूछा जाए तो सीधा सीधा जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, जो कि पहले मैं बता चुका हूँ कैसे निकाला जाए, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए कि प्राइमरी वैलेंसी कोई नई चीज नहीं है। किसी भी सेंट्रल मेटल के या ट्रांजिशन मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, वो प्राइमरी वैलेंसी कहलाती है। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, अगर आपसे पूछा जाए कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर सेकेंडरी वैलेंसी पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल देंगे, तो सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी। यानी आपको कहना है कि अगर कोई पूछे किसी क्वेश्चन में कि सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लीजिए, या इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ लीजेंड, नंबर ऑफ लीजेंड दोनों। लेकिन आप कोऑर्डिनेशन नंबर परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए आप एक ही कंसेप्ट लेकर चलेगी। जब भी सेकेंडरी वैलेंसी पूछेगा तो हमको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, जब भी प्राइमरी वैलेंसी पूछेगा तो हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। एक क्वेश्चन करा देते हैं, इस साल सीबीएसई में भी क्वेश्चन आया था, वो एक दो क्वेश्चन करा देते हैं। जैसे आपसे दे दिए एग्जाम्पल के तौर पे, CO(En) का होल ट्वाइस Cl2+। ये इसी साल सीबीएसई बोर्ड का जो एग्जाम था उसमें आया था क्वेश्चन। तो आपको एग्जाम से मतलब नहीं कि सीबीएसई में आता, आप रट लीजिए, आप सीबीएसई अकेडमी पर सीखेंगे,
आज के बाद कोई भी एग्जाम्पल दिया जाएगा आप निकाल लेंगे, रटना नहीं है कि यही रटना, यही हो सकता है कुछ भी दे दे एग्जाम्पल। तो हमने क्या कहा, इसमें दो क्वेश्चन, एक आपको निकालना है प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, दूसरा है सेकेंडरी वैलेंसी, इसी में आपको निकालना है, कोई भी कंपाउंड दे सकता है आपको। तो प्राइमरी वैलेंसी पूछा है तो हमने आपको बताया है कि प्राइमरी वैलेंसी जब भी निकालेंगे आप क्या निकालेंगे, पहला ऑक्सीडेशन नंबर, वही प्राइमरी वैलेंसी के बराबर हो जाता है। तो आप देखेंगे कि ईएन क्या है, लिगेंड जो है एक सी एल टू है, एक ईएन है यानी सी एल है, क्लोराइड है। आप देखेंगे ईएन एक न्यूट्रल लिगेंड है, हमने पहले बताया कि जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो न्यूट्रल लिगेंड दिया तो इसको जीरो मान लीजिए, बच गया क्या ये सी एल टू, अब ये तो जीरो हो जाएगा, बच गया सी एल टू, और उधर ये माइनस का क्या है वन होता है, तो दो सी एल है तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा माइनस का टू, और जब उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि ये बराबर प्राइमरी वैलेंसी क्या हो जाएगा प्लस थ्री, यानी थ्री के बराबर हो जाएगा। जैसे आप निकालना चाहे पूरा अगर करके तो ये मान लेंगे इसका वैलेंसी निकालना एक्स मान लेंगे आप, ये पूरा जीरो हो जाएगा क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है तो जीरो हो गया। अब आप ये देखेंगे ये माइनस एक क्लोराइड पर माइनस वन चार्ज होता है, दो दिया है तो माइनस का टू हो जाएगा बराबर प्लस वन, तो एक्स बराबर ये माइनस का टू उधर जाएगा तो प्लस का टू हो जाएगा, यानी कि प्लस वन प्लस टू बराबर क्या हो जाएगा प्लस थ्री। तो आपको इतना करने की जरूरत है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि कोबाल्ट पर निकालना है जीरो हो जाएगा, ये माइनस टू है तो उधर जाएगा तो एक प्लस है तो माइनस टू और प्लस वन, ये माइनस का टू है तो उधर जाएगा प्लस का टू हो जाएगा तो दो और एक तीन हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिए। सेकेंडरी वैलेंसी पूछ रहा है आपसे, तो आपको बताया था कि सेकेंडरी वैलेंसी आपको अगर निकालना है तो आपको क्वाड्रेशन नंबर चाहिए, क्वाड्रेशन नंबर क्या होता है नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी, क्वाड्रेशन नंबर आ जाएगा। आप देखेंगे क्वाड्रेशन नंबर निकालने के क्या है नंबर ऑफ, ये क्वाड्रेशन नंबर बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ लिगेंड, तो दो है ईएन जो कि बाइडेंटेट है, बाइडेंटेट मतलब कि इसमें जो डेंसिटी इसकी दो होती है तो दो गुणे दो कर देंगे, ये मोनोडेंटेट है और ये भी दो संख्या में तो दो गुणे एक कर देंगे, तो दो दूना चार और दो छः, यानी ये जो इसका क्वाड्रेशन नंबर कितना आएगा सिक्स, तो किसके बराबर आ जाएगा सिक्स के बराबर। आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो प्राइमरी वैलेंसी होगी तीन होगी और क्वाड्रेशन सेकेंडरी वैलेंसी कितना हो जाएगा छः हो जाएगा, आप ये कर सकते हैं, मतलब प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी ऐसे आप निकाल सकते हैं। जैसे आपसे कह देंगे के फोर या फिर सी एन सिक्स का बताइए, या फिर सी एन सिक्स का बताइए। तो हमने कहा कि प्राइमरी वैलेंसी जब भी आप निकालेंगे इसको हम पी भी लिख दे रहे हैं, इसको सेकेंडरी वैलेंसी को एस भी लिख दे रहे हैं। आप यहाँ देखेंगे माइनस वन है सी एन तो छः है, माइनस का छः है या प्लस का चार है तो इस पर चार कितना आ जाएगा दो, यानी कि प्लस टू, और इस पर क्वाड्रेशन नंबर कितना हो जाएगा मोनोडेंटेट है और छः है तो कितना हो जाएगा इसका सिक्स, यानी कि ये इसकी सेकेंडरी वैलेंसी सिक्स आएगी, इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी दो आएगी। ये हुआ आपका प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी निकालने का तरीका। अब इसके बाद इसमें और कुछ होते हैं पॉइंट, जैसे ये तो पूरा कंसेप्ट था पहला पॉइंट के अंतर्गत, इससे ज़्यादा इसमें नहीं आपसे पूछेगा, लेकिन और भी जो पॉइंट इसमें बनते हैं, जैसे प्राइमरी वैलेंसी जो भी होती है आप देखेंगे जैसे हमने बताया आपको, दूसरा पॉइंट इसमें नोट करिए आप, प्राइमरी वैलेंसी आर इनविजिबल, एंड जो प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है मतलब कि ये अपने जो भी अगर वाटर में आप डिजॉल्व करेंगे तो अपने आयनों में टूट जाता है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयनाइजेबल। और जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ये जो होती है आपका अगला पॉइंट नोट कर सकते हैं, प्राइमरी वैलेंसी
इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट कहिए चाहे नंबर कहिए दोनों एक ही बात होती है, व्हाइल सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, इसमें कौन अनाइजेबल होता है कौन नॉन अनाइजेबल होता है, और सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है, अगला पॉइंट भी ले सकते हैं कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी आर नॉन डायरेक्शनल व्हाइल सेकेंडरी वैलेंसी आर डायरेक्शनल, यानी कि एक फिक्स ज्योमेट्री में होता है, इसकी एक फिक्स ज्योमेट्री होती है, क्योंकि ये क्या होते हैं लिगेंड एक फिक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये अलग से आपको पढ़ाया जाएगा। इस तीन चार पॉइंट आपको इसमें याद रखना है, बाकी इन्होंने जो वर्नर थ्योरी में दिया गया था, इन्होंने पहले कोबाल्ट क्लोराइड को लेकर अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया, इसके बाद कुछ कंपाउंड बनाए, उसको यहाँ पे जानना जरूरी है। बहुत से लोग इतने पॉइंट तो लगभग सब लोग बता देते हैं, थोड़ा सा ये मैंने एक्स्ट्रा कोशिश किया है कि आपको जल्दी समझ में आ जाए ये पॉइंट, बाकी ये तो किताबों में दिया रहता है आपको पता रहता है, बाकी आपको अभी जो इसके आगे बताऊंगा वो आपको समझना जरूरी है, जो कि लोग कम बताते हैं। CBSE अकेडमी पर आपको ये सारी चीज़ें एक ही वीडियो में मिलेगी। वर्नर जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड को लेकर के अमोनिया के साथ रिएक्शन करा करके तीन चार कंपाउंड बनाए, तो वो कंपाउंड आपको NCERT में दिया रहता है, जो भी आपके पास बुक होगी, लेकिन कंपाउंड बनाने में जो छात्र हैं उनको परेशानी होती है, आज के बाद उस परेशानी नहीं होगी, आप देखेंगे। जैसे जो वर्नर थे CuCl3 डॉट 6NH3 एक कंपाउंड है, और इन्होंने कहा क्या किया कि कोबाल्ट क्लोराइड और इसका रिएक्शन जब कराया तो ये कंपाउंड बना। अब इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएं कैसे, तो आप देखेंगे पहला हो गया ये, दूसरा आप लिख लीजिए पहले इसी को CuCl3.5NH3, तीसरा आप लिख लीजिए CuCl3.4NH3, चौथा हो जाएगा CuCl3.3NH3। ऐसे लिखा रहता है किताबों में भी और NCERT में, बच्चे समझ नहीं पाते हैं कैसे करना है। अब देखिए इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएंगे कैसे, तो जब CuCl क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, और CO पर जब +3 चार्ज होता है, किसी पर भी +3 चार्ज हो, तो मान के चलिए कि 90% कंपाउंड जो होता है उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6 होता है, यानी कि वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है। अब देखेंगे कि इस पर +3 चार्ज आएगा, इस पर भी +3, ये आपको पहले मैं पढ़ा चुका हूँ कि कैसे आ रहा है, फिर भी मैं यहाँ बता रहा हूँ। अमोनिया क्या है, न्यूट्रल लिगेंड, इसका पूरा जीरो हो जाएगा, -1 एक क्लोराइड पर -1 चार्ज होता है, यहाँ पे क्या है 3H, तो माइनस का 3 है तो उधर जाएगा बराबर के इक्वल के बराबर, तो क्या जाएगा +3 चार्ज, समझ में आ गया होगा ये +3 कैसे आया। और +3 कोबाल्ट चार्ज स्टेट में होता है, +3 स्टेट में, तो ऑक्टाहेड्रल होता है, यानी क्वार्टर नंबर 6 होता है। अब इसका फार्मूला जब बनाएंगे कैसे बनाएंगे ये देखिए, आपको पता है कि क्या है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, समझ में आया कैसे हुआ, क्योंकि +3 चार्ज है तो ऑक्टाहेड्रल का मतलब कि क्वार्टर नंबर 6 होना चाहिए, इसी को आपको अरेंज कर देना है। अब देखिए कैसे करेंगे, CuNH3 का होल 6, क्योंकि यहाँ 6 अमोनिया है, जो ये Cl3 होता है इसको आप इधर लिख दीजिए, तो इसको कहते हैं काउंटर आयन, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे काउंटर आयन है, या इसी को हम एनायनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अगर इधर कुछ लिखा रहता है तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि मेटल होता है कोई फर्स्ट ग्रुप का जनरली रहता है, इधर अगर लिखा है तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है, और ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये कभी आयनाइज नहीं होता है, ये समझ लीजिए आप। अगर पूछ लिया जाए कि कितने आयन इसके बनेंगे, तो इसके बनेंगे 4, क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट यहाँ से टूटेगा, ये एक ही होगा, ये कितना होगा केवल 1 होगा, और ये 3 होगा, कितना हो जाएगा टोटल 4 आयन,
बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस पर, अभी हम कराएंगे आगे चल करके। आपको फार्मूला बनाने को सिखा रहा हूँ, अब इसको देखिए। हमने कहा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, क्वाड्रेंट नंबर 6 आना चाहिए, तो यहाँ 6 हो गया, नंबर ऑफ लिगेंड 6 है, ठीक है। दूसरे वाले फार्मूले में देखिए CO, अब यहाँ पे 5NH3 है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहीं पे गलती होना शुरू हो जाएगी आपकी, यहाँ से आपको समझना जरूरी है। सीबीएसई सेकेंडरी में पढ़ रहे हैं मेरे द्वारा, तो आपको जरूर यहाँ पे ऐसा कोशिश की जाएगी कि आज के बाद सारी चीजें जो एनसीईआरटी में दी रहती है आपको कल देखने को मिलती है, समझ नहीं पाते हैं तो आप समझ भी जाएंगे आज के बाद। हमने कहा कि 6 आपका हाइड्रल बनाना है, तो यहाँ तो 5 ही है, तो आप 5 हम लिख दिए, लेकिन इसको चाहिए कितना, 6 लिगेंड। तो जो एक सीएल है उसको भी इसके साथ हम जोड़ देंगे, यही आपको करना है। अब यहाँ जोड़ दिए तो यहाँ पे 3 सीएल था, एक सीएल इसको, क्योंकि 6 बनाना है, 5 ही था, यहाँ पे 6 अमोनिया था, तो हमने आपका हाइड्रल कर दिया, क्योंकि हमने पहले बताया क्वेश्चन नंबर 6 जब है तब यहाँ हाइड्रल होगा, तो यहाँ तो 6 अमोनिया था तो आपका हाइड्रल हो गया, लेकिन यहाँ 5 ही अमोनिया था, इसका एक सीएल लेकर जिसका जोड़कर आपका हाइड्रल बनाएंगे, तो यहाँ कितना बच जाएगा सीएल, ठीक, इतना बात समझ में आए। इसके बाद COCl3, इसका भी यही काम करेंगे आप, CO यहां 4 ही अमोनिया है, तो आप 4 ऐसे लिखिए NH3 का होल 4, लेकिन हमको 6 चाहिए, क्वाड्रेंट नंबर कितना चाहिए 6, तो 4 तो अमोनिया है, 2 और चाहिए, तो Cl2 ले लेंगे आप, Cl2 लिख दिए, एक Cl बच गया यहां, तो यहां Cl कर दिया हमने, उसी तरह यहां भी कर देंगे आप CONH3 का होल थ्राइस, ए पूरा का पूरा जो Cl3 है आ जाएगा यहाँ पर, तभी अच्छा होगा, 3 है 3 है 6 हो गया, यानी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हुआ। अब देखें आयन कितने बनेंगे, यहाँ से ये टूटेगा, यहाँ से ये टूटेगा, यहाँ तो एक ही है तो टूटेगा ही नहीं, यानी कि यहाँ पे 3 आयन बनेंगे, यहाँ पे 4 बना, एक 3 1 4, यहाँ पे देखेंगे ये 2, इसका एक कितना बन जाएगा 3, यानी कि इसके 4 आयन बने हैं, 4 आयन बनेंगे, इसके कितने बनेंगे 3 आयन बने हैं, इसके कितने बनेंगे 2 आयन बनेंगे, और इसका कोई भी आयन नहीं बनेगा क्योंकि टूटा ही नहीं है, टूटेगा ही नहीं, तो 0 आयन बनेगा। इतना बात समझ में आया आपको, कैसे फार्मूला बन रहा है आज तक, मतलब 90% बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि कैसे लिख दिया गया। आपको सीधा सीधा करना है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ 6 लिया था तो 6 कर दिया है, यहाँ 5 है तो उसको 6 करना है, तो एक सेल एक साथ अंदर कर दीजिए, बाकी जो बच रहा है उसको बाहर कर दीजिए। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, इसी क्वेश्चन में नहीं कि डायरेक्ट ये पूछ ले, आपसे कहेगा बताइए इसमें कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो ऐसी 4 कॉम्प्लेक्स बना देगा, पूछेगा IIT JEE और NEET जैसे परीक्षा में कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैव मोर कंडक्टिविटी, तो आप देखेंगे जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आयन, जो जिसके नंबर ऑफ आयन ज्यादा होंगे उसमें कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, यानी नंबर ऑफ जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ आयन के, कुछ भी दे आपको क्या करना है, इसी तरीके से तोड़ना है, जो ब्रैकेट वाला उसको एक कर दीजिए, बाकी ब्रैकेट के इधर वाला को जितने आयन उसको तोड़ दीजिए, तब देखेंगे आप कितना 4 था पहले वाले में, इसको हम एक मान लें, ठीक है, इसको 2 मान लें, इसको 3 मान लें, इसको 4, तो कंडक्टिविटी जो सबसे ज्यादा किसकी होगी, पहले वाले की हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ आयन क्या है इसमें 4 है, इसके बाद कितना है 3 आयन, तो दूसरे नंबर पर दूसरा आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा, फिर चौथा आएगा, क्यों कंडक्टिविटी का आर्डर ये हो गया, क्योंकि आयन सबसे ज्यादा इसमें ये 4 भागों में टूटा है, 4 आयन है, ये 3 ही है इसके आयन, इसके कितने हैं 2 हैं, इसके 0 है, तो कोई नहीं, ये लास्ट में आ जाएगा, कंडक्टिविटी का आर्डर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो आप देखते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आ गया है, तो आपको लगता है कि क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन पूरा आपको करना है। और इसमें और क्या पूछा जा सकता है आपसे, पहले प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी का कॉन्सेप्ट था, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी कैसे निकालेंगे, आपको बहुत ईजी स्टेप में बता दिए, और ये भी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, और इनका कलर भी पूछा जाता है, तो कलर के लिए एक अलग क्लास लूंगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि कलर क्या होगा। तो यहाँ पे जो होता है कि इसका कलर जो आएगा आपका येलो होगा, येलो कलर का होगा ये, इसके बाद इसका कलर क्या होगा पर्पल कलर होगा, इसका जो कलर होगा ग्रीन होगा, इसका होगा वायलेट, इसका कोबाल्ट पिंक होगा, इसका पर्पल पिंक भी कर सकते हैं, कोई नहीं,
इसका हो जाएगा वायलेट। अब इसमें जब और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कि इनके जो वेवलेंथ के आधार पे इसको बताया जाता है, तो इसका एक अलग से क्वेश्चन बना दूंगा, थोड़ा ये टफ क्वेश्चन माना जाता है, तो उसको जब क्रिस्टल फिर थ्योरी वगैरह पढ़ाएंगे उसके साथ कराएंगे कि कैसे ऑब्जर्व करेगा कौन सा। इसमें आप देखेंगे जैसे 7 होता है विबगोर, ये कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे उसमें वीडियो में, तब आपको और बेहतर समझ में आएगा। एक ही वीडियो में लंबा हो जाएगा, यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है उसको करा रहे हैं हम। यहाँ पे ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि ये जो कलर कैसे आता है, तो कलर का जो क्वेश्चन होगा वे वेवलेंथ के आधार पर कराया जाएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन और भी आगे ऐड किया जाता है, हमने तो एक क्वेश्चन बता दिया कि कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो ब्रैकेट होता है वो कभी नहीं आयनाइज होता, यानी कि ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है आयनाइज नहीं होगी, प्राइमरी वैलेंसी आयनाइज होती है। इसी से क्वेश्चन पूछता है कि इन्हीं से अगर आपका AgNO3 का रिएक्शन करा दिया जाए कितने नंबर ऑफ मोल इसका रिएक्शन कराएंगे, तो AgCl के कितने प्रेसिपिटेट बनेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। यही चार है, और भी कंपाउंड दे सकता है, कह देगा कि जो AgNO3 का अगर इनसे रिएक्शन कराते हैं तो कितने मोल AgCl के प्रेसिपिटेट हो। कुछ नहीं करना, आप सिंपल क्वेश्चन, आपको कह रहे हैं कि CBSE अकेडमी पढ़ रहे हैं तो आपको एक ही, हमारा तरीका ये होता है कि हम एक ही तरीके से आपको सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश की जाएगी। आपको पता है कि AgNO3 का रिएक्शन कराएंगे तो जो इसका Ag है यानी कि सिल्वर जो है क्लोराइड आयन के साथ चला जाएगा, ठीक है, AgNO3 इसके साथ चला जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि जितने आयन वहां बनेगा उतने ही मोल इसके बन जाएंगे। आप देखेंगे यहाँ कितना है, 3, AgCl के कितने मोल बन जाएंगे, 3, यहाँ कितना है, 2 Cl है, यानी काउंटर आयन जितना होगा उतने ही AgCl के मोल प्रेसिपिटेट होंगे। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, मतलब ये क्वेश्चन दे दे करे कितने AgCl के मोल प्रेसिपिटेट होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको आयन में तोड़ दीजिए, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है यानी आप ये कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के साथ तो रिएक्शन करेगा नहीं, वो करेगा किसके साथ, Cl3 के साथ, जितने मतलब ब्रैकेट के बाहर जो भी दिया रहेगा उतने ही मोल आपके प्रेसिपिटेट होंगे। यहाँ 3 है तो 3 मोल AgCl के मतलब हो जाएंगे आपके, थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको और आसान समझ में आ जाए थोड़ा सा आपको। देखिए यहाँ पे Cl3 था, तो AgNO3 का जब रिएक्शन कराएंगे तो 3 मोल AgCl के प्रेसिपिटेट यहाँ बनेंगे, इसमें 2 Cl है तो यहाँ कितना मोल बन जाएगा, 2 मोल, पूरा लिख देते हैं, 2 मोल AgCl के प्रेसिपिटेट होंगे, और यहाँ पे कोई नहीं है तो यहाँ पे 0 मोल, यानी कि प्रेसिपिटेशन का क्रिया आपको ये समझ में आना चाहिए कि कैसे हो रहा है, तो जो ब्रैकेट के बाहर है उतने ही मोल आपके AgCl के प्रेसिपिटेट होंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, अगर आपको दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल करके भी, जो बच्चे जुड़े हैं हमसे, आप कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद आप जो भी समस्या होगी आप व्हाट्सएप या आपके ऑनलाइन क्लास जब शुरू हो रही है जल्दी ही 1-2 दिन में, तो आपको सारी क्वेश्चन आपको बता देंगे। धन्यवाद।